मथुरा समेत ग्रामीण अंचलों में हुई बारिश ने किसानों के फसल की पूरी तरीके से तबाह कर दी है। मथुरा में देर रात से आज तड़के तक हुई बारिश एवं ओलावृष्टि से किसानों की फसल चौपट हो जाने से किसान भारी संकट में है। फसल नुकसान को लेकर किसानों में भारी आक्रोश भी व्याप्त है। आप इन तस्वीरों में स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार खड़ी गेहूं की फसल पूरे तरीके से खत्म हो गई है, जिसको लेकर किसान भारी परेशान है। किसानों का कहना है कि मथुरा में हुई बारिश ने किसानों की पूरी तरीके से फसल को बर्बाद कर दिया है। फसल नष्ट हो जाने से किसान भुखमरी की कगार पर आ गया है, जिसको लेकर किसानों ने केंद्र प्रदेश सरकार से उनकी नष्ट हुई फसल का मुआवजा देने की मांग की है। सबसे ज्यादा आप गेहूं का नुकसान है, आलू को जो होना था जो हो गया, सरसों का भी होगा है। हाँ, और सरसों है, उसका भी नुकसान काफी है, सब खेत में जल रही है। अब वो ये देख लो, पूरा माहौल बेकार है, 80% कम से कम इसने चौतरा बांध के पटक दिया हमारे। देखो तुम्हारे सामने सब रे गेहूं गिर गए यही साहब, और आलू की फसल ही खुदाई चल रही, बाम सत्यानाश है, ना तो कछु भाव मिलो और ना कछु मतलब माल मिलेगा। अब हमें तो आत्महत्या करनी पड़ेगी भैया, तुम पे कछु उपाय हो, मीडिया वाले पे उपाय हो, सरकार पे कोई उपाय हो भैया, कोई हमारी व्यवस्था करो, जब हमारी जान बचे, हमारे बच्चा पड़े हमें लखवा तो चूल्हे में गए, हमारे बच्चा को पाला ना कहा नाच ना रहे भैया, चून ना रहे भाई। क्या उम्मीद सरकार से करते हैं, सरकार से क्या उम्मीद लगा रहे? सरकार से उम्मीद है हमें, बाबा जी से बहुत तगड़ी उम्मीद है, बाबा हमारी सुनेंगे भाई, हम तुम्हारे माध्यम से अपनी बातें बाबा तक पहुंचाना चाहें, और आप कोशिश करो हमारी बातें पहुंचा में। ये जो बरसात भई है, बिना मौसम के बरसात भई है, सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ में करो। दूसरी बात, काऊ फसल को कोई भाव ना है, कैसे मर जाए कहा करे, यही चीज है तो कांग्रेस करती है और बई काम है बीजेपी कर रही है। कांग्रेस जनता धोखो देती है ऐसे बोल बोल के, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और वही काम अब ये सरकार कर रही है। हमने इतने विश्वास करके, इतनो विश्वास करो कि भाई कि हमारी जान बचेगी कैसे करके, नई पार्टी आई और बढ़िया पार्टी, हम ईमानदार नेता हैं, और भाई हमारा बचाव होगा कैसे करके, अब देख लो तुम्हारे सामने भैया नष्ट पर गया है। बारिश है पत्रकार महोदय, इससे आपको हमारी फसल का अनुमान लग रहा होगा कि हमको कितना नुकसान है, जान का माल का इतना बड़ा नुकसान है किसान का कि किसान त्राही त्राही मच रहा है। एक तो सारी फसलों पर इतनी मंदी है, सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं आप मार्केट में देखिए, किसान का दूध 30-35 रुपये 40 रुपये किलो और मिठाई 1500 रुपये किलो, किसान क्या करे। आलू बिक रहा है किसान का 4 रुपये किलो, और 5 रुपये की चिप्स की पैकेट जिसमें 4 पापड़ आते हैं वो बिक रही है 5 रुपये की, किसान क्या करे। सरकार किसान के बारे में क्यों नहीं सोच रही है, किसान का सारा माल इतना मद्दा, और वही माल मार्केट में जब कंपनियां बनाकर बेच रही हैं उसके मतलब 100 गुना रेट, तो किसान क्या करे, किसान मर जाएगा, प्राकृतिक आपदा से मर रहा है, और उसके बाद में सरकार भी नहीं सोच रही है, सरकार वैसे उसको मार रही है। अब लगभग कितने का नुकसान करीब किसानों को हुआ हुआ है? किसान का 80% नुकसान है, किसान को खाने के लाले हैं,